भीलवाड़ा ने कैसे जीती कोरोना वायरस से जंग, कोरोना के बढ़ते मामलों पर कैसे आई गिरावट, क्या पूरे देश में लागू होगा भीलवाड़ा मॉडल, जानिए आखिर क्या है भीलवाड़ा मॉडल। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यदि इसी तेजी से मामले बढ़ते रहे तो इसके कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा है। वायरस की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है, जिसमें लॉकडाउन अहम फैसला माना जा रहा है। चिंता का विषय ये भी है कि लॉकडाउन के बाद भी कोरोना पर रोक नहीं लग पा रही। हाल ही में पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामले तबलीगी जमात के कारण सामने आए, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन करके कोरोना पर रोक नहीं लग पा रही। ऐसे में कोरोना का हॉटस्पॉट रहे राजस्थान के भीलवाड़ा में फिलहाल कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है और वहां पिछले कुछ दिनों से कोई भी नया केस सामने आने की जानकारी नहीं मिली। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल राजस्थान के भीलवाड़ा में हाल ही में कोरोना का गढ़ माना जा रहा था, क्योंकि यहां निजी अस्पताल के डॉक्टर्स भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद अस्पताल के कई स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेकर पूरे शहर में कर्फ्यू लगाकर राज्य के बॉर्डर को सील कर दिया था। साथ ही हजारों स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाकर घर घर जाकर स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया था। इस दौरान लगभग 18 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई। कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए पहली बार राजस्थान के भीलवाड़ा में इस तरह स्क्रीनिंग का काम शुरू हुआ, जिसने कोरोना वायरस को विस्फोट होने से पहले काबू कर लिया, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में की जा रही है। जानकारी के अनुसार अब पूरे देश में भीलवाड़ा मॉडल लागू करने की मांग की जा रही है। खबर लिखने तक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 354 नए मरीज सामने आए हैं, वहीं 5 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 4,421 हो गए हैं, जिनमें 3,981 एक्टिव केस हैं और 325 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 114 लोगों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।